यू गाइस, मैं हूं प्रियंका और डेली लेकर आती हूं करंट अफेयर डेली का अपडेट। ये है मेरा रेफरल कोड जिसे आप अन अकेडमी प्लस कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हो। 14 नवंबर का अपडेट है, मतलब कल दिन भर जो भी रहा इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो सब इसमें हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा खासा मटीरियल आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये मिल जाता है, ठीक है। सो डेली देखिए, इसे आपसे काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका करंट अफेयर। जी के आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। क्या याद रखना है हमें? मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, और मुद्रा है मॉरिशस रुपया। इसके बाद है न्यायमूर्ति ए पी शाही ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। जस्टिस ए पी शाही स्वॉन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? ए पी शाही। ए पी शाही का पूरा नाम क्या है? अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इन्हें शपथ दिलाई है। और जो न्यायमूर्ति हैं, मतलब जस्टिस हैं, इन्होंने किसकी जगह ली है? विजया ताहिल रामनी की, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है कि किसकी जगह ली है, तो विजया ताहिल रामनी की जगह ली है। इसके अलावा जो ए पी शाही हैं, वो पहले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो ये सब डिटेल हमें याद रखनी है। इसके अलावा न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक टेक्स ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। दो याद रखने हैं, पहला कौन सा है? मद्रास, दूसरा कौन सा है? मेघालय, ठीक है। तो मोहम्मद रफीक मेघालय से और ए पी शाही मद्रास से, ठीक है। दोनों एम से स्टार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तो राज्यपाल तथागत रॉय ने इन्हें शपथ दिलाई है। राज्यपालों के नाम भी ऐसे आपको याद हो जाएंगे, मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय, इन्होंने इसे शपथ दिलाई है। इसके अलावा रफीक ने किसकी जगह ली है? अजय कुमार मित्तल की जगह ली है, ठीक है। वो अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो गया। इसके साथ साथ मेघालय के कौन हो गए? मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश के कौन हो गए? अजय कुमार मित्तल, ठीक है। और ये राजस्थान जो मोहम्मद रफीक हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट में 2 बार चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल रखा गया है। सुरंगा बावड़ी सेलेक्टेड एज अ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट फॉर 2020, ठीक है। बाकी की डिटेल आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे इसे, ठीक है। 16वीं शताब्दी में विजयपुर में आदिल शाह ने इसे बनवाया था, ये मैं बता देती हूँ। बाकी जो हमें याद रखना है वो यही है, 2020 की वॉच लिस्ट में किसे रखा गया है? तो सुरंगा बावड़ी को रखा गया है। FICCI ने सिंगापुर फिनटेक एसोसिएशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FICCI साइन MOU विद सिंगापुर फिनटेक एसोसिएशन। FICCI क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखना है। SFA के साथ में हस्ताक्षर हुए हैं FICCI ने SFA विच इज सिंगापुर फिनटेक एसोसिएशन के साथ में समझौता किया है। फिर है प्रधानमंत्री मोदी ब्राजीलिया में शुरू हुए 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, ठीक है। 11वें संस्करण याद रखना है हमें, समिट याद रखनी है, कौन सी है? 11th है। किसकी है? ब्रिक्स की है। कहाँ हो रही है? ब्राजीलिया में हो रही है। 2 दिन के टूर पर कौन है? PM मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ओके। तो इसका जो थीम है वो हमें याद रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है। थीम पूछ ली जाती है ज़्यादातर, समिट पूछ लिया जाता है कौन सा है, 11th है। और ब्रिक्स का पूरा नाम याद रखना है, कल के एब्रिविएशन में मैंने बताया था, 5 देशों के नाम है इसमें। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन महाराष्ट्र, किसने लागू करवाया है? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, ठीक है। इसके अलावा ये सारी डिटेल दे रखी है, राज्यसभा को निलंबित रखा गया है, सस्पेंड रखा गया है राज्यसभा को, और 3री बार महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है।
नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना सुविधा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। क्या लॉन्च किया है? एमएसएमई यूनिट। ठीक है, मींस ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करना। बहुत डिटेल में मैंने नहीं लिया है, छोटा सा ही लिया है। और जो पहला संस्करण एक ईमेल के थ्रू उनको प्रमाण पत्र जारी किया गया। ठीक है, हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। हरियाणा गवर्नमेंट भावांतर भरपाई योजना स्कीम शुरू की है, विच इज BBY। फुल फॉर्म याद रखना है, भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसानों को अगर वो जो गवर्नमेंट के थ्रू कम जो गवर्नमेंट फिक्स रेट होता है उससे कम के वैल्यू पर अपनी जो क्रॉप्स हैं या फसल जो भी है, फसल वगैरह है, वो कम कीमत पे बेचते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें उस पर मुआवजा मिलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस उस पर एक मतलब प्राइस मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है BBY भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की ये है। फिर है शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बनी है। शेफाली वर्मा बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन स्कोर इंटरनेशनल 50। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, उन्होंने 16 वर्ष और 214 दिनों में ये मतलब उनकी जो एज थी 16 ईयर 2 14 डेज, उसमें ये रिकॉर्ड बनाया था। तो शेफाली ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और याद रखना है हमें, अर्धशतक बनाने वाले युवा भारतीय बनी है फर्स्ट। फिर है विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह आईसीसी और ओडीआई रैंकिंग में टॉप हैं। विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह। कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं, इसके बाद रोहित शर्मा है। गेंदबाजी में बुमराह है और इसके बाद में न्यूजीलैंड के बोल्ट हैं और हार्दिक पांड्या टॉप 10 ऑलराउंडर में एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। फर्स्ट रैंकिंग में कोहली, सेकंड पे है रोहित शर्मा, गेंदबाजों में बुमराह और सेकंड में है बोल्ट न्यूजीलैंड के, और हार्दिक पांड्या जो है वो एकमात्र भारतीय है जो कि टॉप 10 में है। इसके बाद है इंग्लैंड ने विश्व कप के हीरो हीरो बेन स्टोक्स सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, हीरो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के विश्व कप में हीरो बेन स्टोक्स सबसे ऊंची हैं, और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का नाम है इसके बाद सेकंड नंबर पे। तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर, जो कि डेली अपडेट होता है। सम टाइम हो जाता है मिस, तो पर ये डेली अपडेट हो ही जाता है, और जो रह जाता है कभी कभार 1 या 2 दिन, तो वो मैं टॉपिक्स ले लेती हूँ, कवर अप कर लेती हूँ। इसके अलावा वीकली रिव्यू देखिए, राजस्थान GK देखिए, और रिव्यू कोर्स ज़रूर देखिए। अच्छा खासा एक बूस्ट मिलता है वहाँ, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है रिव्यू कोर्स, उसे देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।